नमस्कार, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट थर्ड से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य प्रिय प्रवास के काव्य अंशों से लिया गया है। हमने अब तक प्रिय प्रवास के अंश में देखा कि गोप गोपिकाओं की श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात क्या दशा हुई। उसके पश्चात हमने देखा कि माता यशोदा की क्या दशा हुई। इन दोनों का हमने अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए माता यशोदा की दशा का चित्रण करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले पदों में पढ़ा कि माता यशोदा दही मथने वाली गोपिकाओं से भी चिढ़ती है और वो कहती है कि तुम ये जो दही मथ करके आवाज़ पैदा करती हो, क्या इससे मेरे कान फोड़ दोगी। उससे पहले ये कहा गया कि कोई गोपी का अगर उनके समाचार लेने के लिए गृह में प्रवेश करती है तो वह अनमनी होकर के उसकी बातें सुनती है। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अगले पद का अध्ययन करेंगे। अगले पद में कि दुखवश सब धंधे बंद हो गए थे, माता यशोदा के घर के सभी कारोबार बंद हो गए थे, गृहजन मन मारे काल को बिताते थे। कि गृहजन घर के लोग मन मार करके काल व्यतीत करते थे। हरि जननी व्यथा से मौन थी सारिकाएँ, घर में जो सारिकाएँ थी वो श्री कृष्ण के माता यशोदा की व्यथा दुख से पीड़ित होकर के वो भी क्या थी, चुप थी। सकल सदन में छा गई थी उदासी और समस्त जो भवन था उसमें उदासी का वातावरण छाया हुआ था। और माता यशोदा श्री कृष्ण के आने के इंतज़ार में क्या क्या करती थी, इसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती। कि माता यशोदा श्री कृष्ण के आगमन के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करती, बहु यजन और अनेकों अनेक यज्ञ कराती है ना, और कराती विप्र के वृंद से थी और अनेक ब्राह्मणों को समूह को बुला करके यज्ञों का आयोजन करवाती कि श्री कृष्ण लौट आवे। नित घर पर कोई ज्योतिषी बुलाती और रोजाना ही कोई न कोई ज्योतिषी को बुलाती कि मेरे कृष्ण लौट करके कब आवेंगे। निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा, अपने प्रिय पुत्र के लौट करके आने के सूचना के लिए वह कोई न कोई ज्योतिषी को बुलाती और विप्र यानी ब्राह्मणों के समूह को बुला करके यज्ञ करती और प्रतिदिन ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती कि श्री कृष्ण लौट करके आवे। आगे कवि हरिओद कहते हैं कि सदन डिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, अगर कोई पत्ता भी घर के नज़दीक कहीं उड़ता हुआ मिल जाता तो निज श्रवण उठाती समुत्कुंठा के साथ, वो समुत्कुंठा के साथ में उधर कान लगाती, आहट सा महसूस होता अगर कोई पत्ता भी डोलता हुआ महसूस होता तो उसको क्या है कि वो उस आहट पर अपने कान लगाती कि श्री कृष्ण लौट के तो नहीं आ गए। पर जब वो उसे पता चलता है कि कोई पत्ता है तो वो क्या है, निराश होकर के बैठ जाती। कुछ रज उठती जो पंत के मध्य से, यों ही कुछ हवा या वायु के वेग से कुछ धूल उड़ती सी नज़र आती मार्ग में तो वह अयुत द्रगी हो उसे देखती थी। अयुत का अर्थ हुआ कि जो मिला हुआ नहीं हो, मतलब आंखें फाड़ फाड़ करके उस उड़ती हुई धूल को देखती जो रास्ते के मध्य से उड़ रही थी कि किसी के आने का प्रतीक होता है ना, यानी कि कोई चल रहा होता थोड़ी धूल उड़ती है, अगर थोड़ी बहुत धूल कभी उड़ती हुई दिखाई देती तो वो क्या है, आँखें फाड़ फाड़ के उसको देखती। गृह दिशा यदि कोई शीघ्रता के साथ चले आता
कवि आगे कहते हैं कि घर की दिशा की ओर कोई अगर तेज तेज कदमों से चलता हुआ कोई ब्रजवासी आता, मथुरावासी आता, तो वह उभय करों से थामती थी कलेजा, अपने दोनों हाथों से अपने हृदय को थाम लेती थी। जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, अगर फिर वो माता यशोदा की घर की ओर तो आया नहीं और दूसरी ओर निकल जाता, तब हृदय करों से ढांपती थी द्रगों को। ऐसा लगता कि मानो अपने हृदय के हाथों से अपनी आँखों को बंद कर रही हो, क्योंकि वो थोड़ी सी आशा श्री कृष्ण के समाचार पाने की उस राहगीर से प्राप्त होने वाला था, वह राहगीर दूसरे रास्ते से निकल गया, तो वह निराशा से अपने हृदय रूपी हाथों से क्या करती है ना, अपने आँखों को बंद कर लेती थी। मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, कोई मधुवन से यानी कि बाग बगीचों की ओर से कोई आता हुआ प्रतीत होता, तो यदि नवतल में थी देख पाती पखेरू, कोई पक्षी को भी अगर वो देख पाती तो उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लख कर जिसको था भग्न होता कलेजा, उसका हृदय क्या है टूक टूक हो जाता है ना, ऐसी दृष्टि से उसको देखती थी। तो आगे हम अगले पद का अध्ययन करेंगे। पथ पर न लगती थी दृष्टि ही उत सुक्षा हो, न हृदय की ही लालसा वधिग्धता थी, प्रतिपल करता था लाडलो की प्रतीक्षा, यक यक तन रोवा नंद की कामनी का, पथिक के आगमन से वो व्याकुल हो जाती थी, वायु के चलने से वो व्याकुल हो जाती थी, पथ पर उसकी दृष्टि लगती नहीं थी, न हृदय में कोई लालसा जैसे जल रही हो ऐसा प्रतीत होता था। कवि आगे कहते हैं कि प्रतिपल करता था लाडलो की प्रतीक्षा, उस यज्ञ यज्ञ तन रोवा नंद की कामनी का, नंद की पत्नी माता यशोदा का एक एक रोवा श्री कृष्ण के आगमन का क्या है इंतजार सा करता हुआ प्रतीत होता था। प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, हर पल उसके नेत्र माता यशोदा के जो नेत्र थे वो श्री कृष्ण को देखना ही चाहते थे, क्षण क्षण सुधी आती श्याम मूर्ति की थी और क्षण क्षण श्री कृष्ण की सूरत की याद आती थी, प्रति निमेष यानी प्रति पल यही चाहती थी नंद रानी, निज बदन दिखावे मेघ से कांति वाला, अपना मुख दिखलाए श्याम वर्ण वाला श्री कृष्ण हमें क्या है अपना अपनी सूरत दिखाए। अब हम आगे माता यशोदा के दुख पीड़ा का अध्ययन करने के पश्चात राधा की जो दशा श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात हुई उसका चित्रण हम पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिया प्रवास में राधा विरहिणी के साथ साथ समाज सेविका की भूमिका में भी है। मदाक्रांता छंद में लिखी हुई ये रचनाएं हम अब अध्ययन करेंगे कि यशोदा और ब्रज के ग्वाल बालों के बाद राधा की क्या दशा हो रही है इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रथम पद का अध्ययन करते हैं कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, राधा रो रो करके श्री कृष्ण की याद में रो रो करके दिन बिताती थी, आँखों को थी सजल रखती, आँखों को हमेशा ही नम बनी रहती, उसकी आँखें क्या है हमेशा ही श्री कृष्ण की याद में क्या है नम बनी रहती, उन मनाती थी दिखाती और हमेशा उदास सी वो दिखाई देती थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चात की थी, अत्यंत शोभावान जलद वपु यानी कि बादलों के रंग जैसे शरीर वाले श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के क्या है वो चातक की जैसी अपने आप को चातक समझ रही थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना है ना वर्धिग्धता थी, उत्कंठा थी उसके मन में उत्कंठा पैदा हुई थी, वो परम प्रबल थी वेदना बढ़ती ही जा रही थी कि श्री कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए। अगले पद का अध्ययन करते हुए हम बात करते हैं कि
राधा उस वक्त किस हालात में थी? जिस भवन में वो अकेली बैठी थी, बैठी खिन्ना यक दिवस वे घेमी थी अकेली। एक दिन की चर्चा करते हुए हरिओद कहते हैं कि राधा बड़े ही खिन्न मन से, क्योंकि श्री कृष्ण लौट के नहीं आए, तो बड़े खिन्न मन से अपने घर में बैठी थी। उस वक्त वह अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था। आके आंसू द्रग युगल में थी धरा को भिगोते, है ना, उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले। इतने में ही सवेरे का समय था, सुगंधित पवन पुष्पों की गंध लेकर के उस सदन में प्रवेश करती है और उसको नासिका से महसूस होता है, वो सुगंधित पवन को महसूस कर पाती है। अना प्रात वाले सुपवन इस काल वातायनों से जो घर की खिड़कियां थी उससे वह प्रवेश करती है, वो उसको वहां पर हवा आती है, तो हवा को संबोधित करते हुए राधा क्या कहती है, है ना, हवा से एक तरीके से वार्ता करते हुए राधा जो कहती है उसका अध्ययन करते हैं। राधा कहती है कि आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, मतलब राधा कहती नहीं है, वहाँ का चित्रण है कि आके पूरा सौर भीला सदन उसने सौर भीला बनाया, वो वायु आई और उसने अपनी सुगंध से पूरे भवन को भर दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, वो शीतल मंद सुगंध सुगंधित वायु जो सवेरे की थी प्रात काल की थी उसने सारे सदन को सुरभि यानी अपनी सुगंध से भर दिया, क्योंकि पवन ये चाहती थी कि सारा कलुष यानी सारी पीड़ा कष्ट राधिका के तन का वो मिटा देगी, राधा के तन का जो सारा कष्ट है वो मिटा देगी, ऐसा पवन ने सोचा। अना जो बूंदे थी सजल द्रग के पक्षम में, अना विद्यमाना राधा के आंखों में जो आंसू बह रहे थे वो उसके कोरों पर अटके हुए थे, अना वो विद्यमान थे, अना तो वायु ने क्या किया कि धीरे धीरे छिति पर उसे सौम्यता से गिराया, धीरे धीरे उसे धरती पर गिराया, जो बूंदे के आंखों के किनारे पर बनी हुई थी उनको धीरे से एक गिराया ताकि राधा को कोई कष्ट ना हो। लेकिन राधा तो विरह से पीड़ित इस जो प्रेम भरी क्रीड़ाएँ थी वायु की उससे उसको तनिक भी सुख नहीं मिलता है और वह उससे थोड़ा सा कष्ट ही ज़्यादा पाती है। श्री राधिका को यह पवन की प्यार वाली क्रीड़ाएँ कि उसने धीरे से उसकी आंखों के कोर से क्या गया कि आंसू गिराए, कोई कष्ट ना पहुँचे, उसके तन का सारा कलुष हरने के लिए वो मंद सुगंध दित वायु चल रही थी, थोड़ी सी भी न सुखद हुई, थोड़ा सा भी सुख प्रदान नहीं कर पाई, हो गई वैरणी सी, है ना, और वो मंद सुगंधित पवन वैरणी के समान हो गई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की उन्हें और भी ज़्यादा याद आने लगी थी और भी ज़्यादा वो उसके लिए कष्टकारक हो गई। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, और भीनी भीनी महक क्या है, मन की शांति को खो रही थी, मन जो अभी शांत होने का प्रयास कर रहा था उसे वो क्या है नष्ट कर रही थी, और भी ज़्यादा श्री कृष्ण की याद आ रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, जो शीतलता थी, जो उसकी तरलता थी वायु की, वो चित्त को और भी ज़्यादा व्यथित कर दिया कर रही थी, ऐसा राधिका के साथ हो रहा था। जबकि पवन उसके दुखों को कम करने की कोशिश कर रहा था कर रही थी और वह उसे और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, उससे संताप को विपुल बढ़ता देख के दुखीता हो, अपने दुखों को और ज़्यादा बढ़ते हुए देख करके अत्यंत कष्ट में होकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूँ,
धीरे से वो पवन से बोली, अपने दुखों को ज़्यादा बढ़ते हुए देख करके, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अरे प्रात की प्यारी पवन, तू मुझे क्यों सताती है, मेरे दुखों को क्यों बढ़ाती है, अपनी स्निग्धता से, अपनी शीतलता से, अपनी तरलता से मेरे दुखों को और क्यों बढ़ा रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काल ने मेरे कृष्ण को मेरे से दूर कर दिया है, वो मेरे प्रति क्रूर हो गया है, क्या तू भी कलुषित हो गई है, क्या उसकी छाया यानी कि क्रूर काल की छाया तुझ पर पड़ गई है और तू भी क्या है उसकी तरह कष्टदायिनी हो गई है। हाँ, तो ऐसा वो कहती है राधा किससे, पवन से, है ना। आगे राधा पवन से कहती है, कालिंदी के कल्पुलिन पे घूमती सिक्त होती, अरे पवन तू तो कह है कि यमुना के किनारे, है ना, पवित्र किनारे पर घूमती होती और उसकी तरलता से, उसकी शीतलता से सिक्त होती है, अभिषित हो जाती है, प्यारे प्यारे कुसुम चेह को चूमती, गंध लेती और प्यारे प्यारे जो फूल फूल लगे हुए हैं उनको चूमती हुई, उनसे गंध प्राप्त करती हुई तू वहाँ पर विचरण करती है, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और तू वहाँ से यमुना के किनारे से जल के कणों से अब शीतलता लेकर के तू यहाँ पर आती है। हाँ पापिष्टे, फिर किस लिए ताप देती मुझे है, पर तेरा ये शीतलता मुझे ताप प्रदान करता है, तो मैं पूछती हूँ ये पवन तू मुझे क्यों ताप प्रदान करती है, तू मुझे और भी कष्ट क्यों प्रदान करती है, क्यों होती निठुर इतनी क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू क्यों निष्ठुर हो गई है मेरे प्रति और क्यों मेरी व्यथा को तू बढ़ा रही है, तू है मेरी चीर परिचिता, तू तो कह कि मेरी चीर परिचित है कि तेरी स्निग्धता में श्री कृष्ण के साथ है ना मैंने क्रीड़ाएँ की है, इससे तू पूर्व परिचित है, है ना, तू हमारी प्रिया है, मेरे और श्री कृष्ण की तू प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, है ना, जिसका प्रियतम छोड़ जाता है वो वामता, है ना, यानी लेफ्ट, मेरी बातें सुन मत सता, मुझे तू मत सता, जिसका प्रियतम छोड़ गया वो वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता है, अपने जन की, अपने जो प्रियजन है उसकी पीड़ा को खत्म करने पर बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, तू तो मेरी प्रिय है और तू क्या है मेरे कष्टों को तू कम कर दे, तू उनको बढ़ा मत, और तू क्या है कि उनको कम कर सकती है, तू मेरे पास से चले जाए तो वो कम हो जाएंगे, है ना, और तेरा पर बड़ा ही तुझे तेरा पुण्य होगा, ऐसा राधा पवन को कहती है। और अगर तू कुछ कर सकती है, पवन को राधा कहती है कि अगर तू कुछ कर सकती है, है ना, और मेरे लिए कुछ करना चाहती है, तो राधा कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले के नव जलद यानी कि नए बादल के समान, कंज से यानी कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे कृष्ण जो मधुवन मथुरा चले गए हैं, जाके न आए मधुवन से यानी कि जो मथुरा जाकर के वापस लौट के नहीं आए, न भेजा कोई संदेशा, न ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है, मैं रो रो के प्रिय विरह में अपने प्रियतम की याद में रो रो करके क्या है बावली हुई जा रही हूँ, आना अगर हो सके तो हे पवन तू जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, तो जाकर के मेरी दुख कथा को तू कृष्ण को सुना दे, ऐसा कार्य वह पवन को सुनाती है। आगे वो कहती है पवन से राधा कि हो पाए जो न यदि तुझसे तो क्रिया चातुरी से, अगर जो ये मेरा कार्य है मेरी दुख पीड़ा कहने का कार्य तेरे से चतुरता से नहीं हो पाता है तो जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखा दे, हे पवन तू जाके मेरी व्याकुलता को दिखा दे और मेरे रोने को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट की वस्तु कोई अनूठी, तू तो ला सकती है तू तो गतिमान है, कोई मेरे प्रियतम के नज़दीक की कोई वस्तु मेरे लिए ले करके तू चली, हाँ 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 मैं हूँ मृतक बंती प्राण मेरा बचा दे, हे पवन तू मेरे प्राणों की रक्षा कर, अगर तू ऐसा कर पाएगी
तो मेरे प्राण बच जाएंगे और तू मेरे प्राणों की रक्षा कर। इस प्रकार से राधा पवन को अपनी दूतिका बना करके अपने कष्टों की सूचना श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को अपनी दूतिका बनाती है।